आदरणीय राजेश तिवारी जी। भारत माता की हौसला रख मंजर के मुसाफिर, वो मंजर भी आएगा। और थक्कर ना बैठ एनपीएस धारी, ओपीएस भी मिलेगी और ओपीएस का मिलने का मजा भी आएगा। आखिरी में तो ओपीएस तभी मिलेगी, ओपीएस तभी मिलेगी, ओपीएस तभी मिलेगी जब सारे शिक्षक अपनी कलम बंद हटा देगा। करना चाहता हूँ कि जो संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में पेंशन की लड़ाई को चालू करें, इसमें शिक्षक ही नहीं बल्कि सारे विभाग को भी जोड़ के रखें। खूबसूरत नज़ारा तो है नज़र के लिए, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। भारत माता की, भारत माता की। तो हमारे जो नेतृत्वकर्ता साथियों के लिए, जिनके ओ चश्मी वचनों से, जिनके ओ चश्मी वचनों से गूंज उठेगा संसद भवन, गूंज उठेगा संसद भवन, चलो मांगने कदम मिलाकर होई हुई ओल्ड पेंशन, चलो मांगने कदम मिलाकर होई हुई ओल्ड पेंशन। तो मंत्री विधायक सांसद नेता स्वयं ले रहे दोहरी पेंशन, मंत्री विधायक सांसद नेता स्वयं ले रहे दोहरी पेंशन, कर्मचारियों का मुंह पोछे और दे रहे सबको टेंशन, कर्मचारियों का मुंह पोछ रहे और दे रहे सबको टेंशन। आओ मिलकर साथ चलें अब, आओ मिलकर साथ चलें अब, मांग हमारी ओल्ड पेंशन, चलो मांगने कदम मिलाकर खोई हुई ओल्ड पेंशन, चलो मांगने कदम मिलाकर खोई हुई ओल्ड पेंशन। जिनके ओ जस्वी वचनों से, जिनके ओ जस्वी वचनों से गूंज उठेगा संसद भवन, चलो मांगने कदम मिलाकर खोई हुई ओल्ड पेंशन। कर्मचारियों के हित में सोच दिखाती सही नहीं, कर्मचारियों के हित में शासन सोच दिखाती सही नहीं, शोषण करती है हम सबका राह निकाले नई नई, और शोषण कर रही हम सबका राह निकाले सही नहीं नहीं। एनपीएस तो अभी साफ है, और एनपीएस तो अभी साफ है, सबसे बढ़िया ओल्ड पेंशन, चलो मांगने कदम मिलाकर खोई हुई ओल्ड पेंशन, चलो मांगने कदम मिलाकर खोई हुई ओल्ड पेंशन। जिनके ओ जस्वी वचनों से, हमारे समस्त साथी और जो नेतृत्व है उसको कह रहा हूं मैं कि जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठेगा संसद भवन, चलो मांगने कदम मिलाकर खोई हुई ओल्ड पेंशन, चलो मांगने कदम मिलाकर खोई हुई ओल्ड पेंशन। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए साथियों, विधि के बहुत प्रख्यात जानकार और आपके सामने जो डीके सिंगोर जी हैं वो तो बहुत ही लाजवाब चीज है, और ये मान के चलिए यदि पेंशन हम ले रहे हैं, मांग रहे हैं, तो विधि विधान से बहुत तरीके से रखने वाले, देखो ये अध्यक्ष है वो तो डीके सिंगोर जी हैं, तो आपके सामने अपनी बात रखे हैं, सब जोरदार आवाज लगाएंगे, सिंगोर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक नारा अक्सर बोला जाता है, लेकिन उसके नारे को थोड़ा सा आप बहुत ध्यान दें, गौर करें, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, ये नारा बहुत गौर करने वाला है। ये जो पेंशन की लड़ाई है ये वास्तव में भीख नहीं है, हमारा अधिकार है। और हर शिक्षक साथी को, हर एनपीएस के कर्मचारी को इस अधिकार की जानकारी होना बहुत जरूरी। उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के नियम देखिए, 1961 के नियम 11 उसमें ये लिखा है कि काम करेंगे, अन्य कोई व्यवसाय धंधा नहीं कर सकते, कहीं से कोई पुरस्कार तक नहीं ले सकते। ये सरकार ने पेंशन के नियम बनाए,
1881 से पेंशन की व्यवस्था है, 123 साल से पेंशन सरकारी कर्मचारियों को मिल रही है। हमारा अधिकार इसके लिए एक एक हमारी जो पेंशन की जो एक एक एनपीएस के कर्मचारी इनको लेकर के इस अधिकार को मांगने में हमको शामिल होना बहुत जरूरी है, अन्यथा पेंशन के बिना हमारा जीवन कैसा होगा। भी हमारे साथी इस एनपीएस की पीड़ा से परिचित है, हमको एकजुट होना पड़ेगा। बिना एकजुट हुए आप पेंशन नहीं पा सकते। पूरे प्रदेश पूरे देश में पेंशन की आग लगी हुई और तीन इन प्रदेश में ये पेंशन मिल भी चुकी है, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण है। अपनी पूरी ताकत इस पेंशन की लड़ाई में झोंके तो हमको पेंशन मिल सकता। अब जरूरत सिर्फ एकजुटता की है, संयुक्त होना ही हमें पेंशन दिला सकता है और ये हम जानते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो दो संगठन जो छूट गए वो भी हमारे साथ आए और जिस दिन साथ आएंगे उसी दिन हम लड़ाई का आगाज करें कि कोई भी अकेला नहीं लड़ेगा। एक मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, एक मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्र अमेर, राष्ट्र अमेर। लेकिन ये पेंशन हमको कैसे मिलेगी ये जानना बहुत जरूरी है। शिक्षक और कर्मचारी अभी तक जो वोट देते आए हैं वो अपनी पसंद के हिसाब से देते आए हैं, लेकिन अब एक एक कर्मचारी एक एक एनपीएस कर्मचारी पेंशन विहीन कर्मचारी हर विभाग का ये तय कर लिया है कि वोट देंगे उसी को जो पेंशन की बात करेगा, उनकी बात करेगा, वही देश में राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। कि अब हम कार्यक्रम ऐसे ही करें जिसमें विधायकों को बुलाए, मंत्रियों को बुलाए, सांसदों को बुलाए और यही बात कहे, एक बहुत महत्वपूर्ण नारा है, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। ये नारे यदि आप उठा के पूरे एक दोनों हाथ से वहां लगा दिए उनके सामने, उनके होश उड़ जाए। एक कार्यक्रम तो बिल्कुल तय है संयुक्त मोर्चा का, विधायक सांसद मंत्रियों को आमंत्रित करो और अपनी पीड़ा उन्हें बताओ। साथियों, जहां तक आती बात बार बार भोपाल जाने की, मैं तो कहता हूं पेंशन हम तो ब्लॉक में बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। सारे एनपीएस के कर्मचारियों को, शिक्षकों को, अधिकारियों को आप एक मंच के नीचे बैनर के नीचे बुला लें, क्या कठिन है? जरा सोचिए, जिस दिन आप उनको वहां पर बिठा लिए पूरे को और एक नारा बुलवा दिया कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं, सरकार हिल जाए। आप अपने घरों में तख्तियां लगा दीजिए, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। दीवालों को रंग दीजिए, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। जिस दिन मंत्री विधायक आते हैं दौरे पे, पूरी रोड में लिख दीजिए, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। हाथ आप मिलाते हैं तो नमस्ते की जगह बोलिए, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। जिस दिन इस तरीके से आप लड़ेंगे, यहाँ ब्लॉक में बैठे बैठे आपको पेंशन मिल जाएगी, ना आपको लाठी खाना है ना आपको वेतन कटना। मेरा वोट मेरा अधिकार, मेरी पत्नी का वोट मेरा अधिकार, मेरी माँ का वोट मेरा अधिकार, मेरे पिताजी का वोट मेरा अधिकार, मेरे बच्चों का वोट मेरा अधिकार, मेरे पड़ोसी का वोट मेरा अधिकार। और मामा जी तुम्हें क्या बताएं कि शिक्षक का वोट मेरा अधिकार, शिक्षक का वोट जाने किस किस का अधिकार, जाने कितने लोगों का सिर्फ वोट जो शिक्षक ले सकता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो सामूहिक उपास के रूप में यहाँ पर बैठना है और जो राष्ट्रीय टीम के द्वारा आह्वान किया गया है 2 अक्टूबर को जो हमारे साथी रिटायरमेंट हो चुके हैं उनको सम्मान करना है, सारसी फल के माध्यम से उनको यहाँ पर अपने अपने मुख्यालय पर होंगे। अच्छा, 16 अक्टूबर को महेश्वर खंडवा में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिन साथियों को यदि समय मिले तो अवश्य पहुंचिए वहां पर। धन्यवाद। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है, पेंशन हमारा हक है, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, भारत।
माता की जय। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पेंशन नहीं तो वोट नहीं, पेंशन नहीं तो वोट नहीं, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। जो पेंशन की बात करेगा, जो पेंशन की बात करेगा, पुराने जोर जुल्म की टक्कर में भारत माता की हम एक हैं, वही देश पर राज करेगा। आगे और लड़ाई है, बहाल करो, बहाल करो, अभी तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पेंशन नहीं तो वोट नहीं, पेंशन नहीं तो वोट नहीं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बंदे बंदे मूंगफली में जाना नहीं, शिवराज हमारे मामा नहीं, 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 मूंगफली में जाना नहीं, शिवराज हमारे मामा नहीं। बंदे मातरम, तत्काल बाहर करके हम लोग को क्रमोन्नति जो नहीं दी जा रही है, ऐसी तमाम लगभग अनुकंपा नियुक्ति की भी मांग इसमें प्रमुखता से रखी गई है कि जो कोरोना काल में या अन्य किसी कारणों से हमारे शिक्षक साथी या अन्य साथी जो कर्मचारी साथी काल कालवृत्त हो गए हैं, तो उनको अनुकंपा नियुक्ति के नियम में शिथिलीकरण करने में कितने वर्ष लगेंगे जी, अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार नहीं बता पा रही, तो उसकी भी मांग हमने प्रमुखता से की। ज्ञापन किस किस के नाम सौंपा गया? मुख्यमंत्री महोदय के नाम सौंपा गया और हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी को भी हमने ज्ञापन प्रदर्शित किया। आज क्या क्या कार्यक्रम था? आज हमारा एक दिवसीय धरना आंदोलन था जो कि कचहरी चौक पर चला है, और उसके बाद हमने पूरे शहर में आज रैली निकाल के अपनी पेंशन बहाली और प्रथम नियुक्ति दान से वरिष्ठता की मांग पुरजोर तरीके से अपने आवेदन और निवेदन के साथ माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। कितने लोग शामिल थे? कितने? लगभग आज 2000 लोगों का हमारे पूरे जिले के साथियों का इसमें सहयोग रहा। संगठन कितने के साथ में? हमारा राज शिक्षक संघ इसमें शामिल था, NOPS और TWTA ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन, उसके प्रांत अध्यक्ष भी हमारे बीच में आज उपस्थित। मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रहेगा? हमारा 9 अक्टूबर को भोपाल में धरना होगा और उसके बाद हम सभी लोग प्रांत अध्यक्ष बैठ के एक संयुक्त मोर्चा का गठन करने जा रहे हैं, ऐसी रणनीति हमारे साथियों ने बना के रखी है।